गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो हमने क्लास थर्ड की ईवीएस का 9 चैप्टर का ये वाला पेज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, इसलिए हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 5050। तो सभी बच्चे, क्लास थर्ड के सभी बच्चे अपने ईवीएस की बुक का पेज नंबर 50 खोलिए। पेरेंट्स अरेंज नेसेसरी थिंग्स फॉर फैमिली। जो पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी पापा जो होते हैं, वो परिवार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, दे बाय फूड्स, वो खाना खरीद लाते हैं, क्लोथ्स कपड़े लाते हैं, शूज़ लाते हैं, बुक्स लाते हैं, नोटबुक्स, पेंस, पेंसिल एंड ऑल अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली। और परिवार के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो लाते हैं। बिसाइड्स फादर हेल्प द मदर्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क्स। इसके अलावा पापा जो होते हैं वो मम्मी की घर के कई कामों में भी मदद करवाते हैं। आवर वर्क, अब हमारा क्या काम होता है, तो मम्मी पापा का काम हो गया, उनकी जिम्मेदारियाँ हो गई, अब हमारा काम। We can also do some work in the family, कि हमें भी घर में परिवार में कुछ काम करना चाहिए। We can arrange reading table and school bags, हमें हमारी जो reading जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं उस table को सही से अरेंज करके रखना चाहिए, स्कूल बैग को सही जमा कर सही जगह रखना चाहिए। वी कैन आल्सो अरेंज आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़े सही से रखने चाहिए, टॉयज़ खिलौने एंड अदर थिंग्स ऑफ आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और भी अन्य चीज़ें जो हमारे छोटे बहन भाइयों की होती है ना, उन्हें भी हमें संभाल कर रखना चाहिए। वी कैन अरेंज द डाइनिंग टेबल, हमें खाने की जो टेबल होती है उसे भी अरेंज यानी सही से सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। वी कैन ब्रिंग वाटर फॉर आवर मदर, हमें हमारी मम्मी जब भी हमसे पानी मंगवाए पीने के लिए तो उन्हें लाकर देना चाहिए। वी कैन वाटर द वेजिटेबल गार्डन और फ्लावर्स एंड फ्रूट प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस, हमें हमारे घर में बने हुए जो बगीचा होता है उसमें सब्जी फूल इनके जो पेड़ होते हैं ना उनमें पानी डालना चाहिए। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें पेड़ उगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। बिसाइड वी कैन क्लीन द कंट्री यार्ड कोर्ट यार्ड एंड द एरियाज अराउंड द हाउस, और इसके अलावा हमें जो हमारा बाहर का इलाका होता है ना, जो घर के बाहर जो बगीचा बना होता है उसकी सफाई भी करनी चाहिए। बिसाइड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड पेरेंट्स देयर आर आल्सो ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड आंट्स लिविंग इन द फैमिली, कि भैया बहन मम्मी पापा के अलावा दादाजी और दादी जी चाचा चाची जी भी और उन भी हमारी फैमिली में रहते हैं। वी कैन आल्सो हेल्प दे, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन हेल्प आवर पैटर्नल एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स टू टेक देयर मेडिसिन, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे दादाजी दादी जी नाना नानी जी जो होते हैं ना, तो उनकी हम उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनकी दवाइयाँ उनको टाइम पर देनी चाहिए। वी कैन ब्रिंग देयर फूड ऑन टाइम, उनका खाना सही समय पर ला कर देना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून वी कैन वॉक ए लिटिल विद देम अराउंड द हाउस, और जैसे सुबह या फिर शाम के समय दिन में उनके साथ है ना घर के आसपास के क्षेत्र में थोड़ा घूमने के लिए भी जाना चाहिए। वी कैन रीड द न्यूज़पेपर फॉर देम, हमें उन्हें न्यूज़पेपर भी पढ़ के सुनाना चाहिए। अब है लास्ट में हमारा आवर वर्क इन द स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या काम होते हैं, ये तो घर के काम हो गए, और अब स्कूल में, वी गो टू स्टडी स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बिसाइड्स स्टडीज़ वी आल्सो हैव देयर वर्क, और पढ़ाई के बाद हमें होमवर्क भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन कीप द क्लासरूम स्कूल बिल्डिंग एंड स्कूल यार्ड नीट एंड क्लीन, कि हमें उसमें स्कूल का कमरा हो गया जो क्लास बैठती है उसमें, और बाहर का बरामदा वगैरह या फिर कुछ आसपास का जो इलाका बगीचा होता है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए।
we can help the teachers in different ways. और हमें हमारे teachers की कामों में थोड़ी help करनी चाहिए. we must keep chairs, tables, benches and other furnitures of the school के, जैसे हमारे class के जो bench, table होते, जैसे